अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है कम्पोत। अब आप सोच रहे होंगे ये कम्पोत होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, ये एक फ्रेंच डिश है जिसमें फ्रूट्स को चॉप करके उसे शुगर में अच्छी तरह से पकाया जाता है और फिर उसे डेजर्ट्स के साथ खाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ का कम्पोत बनाया है और ये खाने में बहुत ही यमी लगता है। आप इसे किसी भी डेजर्ट के साथ टॉप करके खा सकते हैं, जैसे कि कस्टर्ड्स या वनीला केक्स वगैरह वगैरह। और अगर आपको अपने केक के लिए फिलिंग बनानी हो तो भी ये बहुत यूज़फुल होता है। आपको मार्केट से महंगा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आप घर पे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ करके रख दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसे फ्रीज़ करके रखना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद मैंने इसे चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहें तो थोड़े बड़े पीसेस भी रख सकते हैं। ये 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसे हमें जितना पॉसिबल हो सके लो पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम एक नॉनस्टिक पैन ले लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये नॉनस्टिक पैन लेना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। अब हम पैन में हमारी चॉप की हुई स्ट्रॉबेरीज़ को डाल देंगे। ध्यान रहे, आँच को हमें बिल्कुल कम रखना है, एकदम लो फ्लेम पे हमें ये काम करना है। और इसे हम सौते कर लेंगे एक वुडन स्पून की मदद से। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उन्होंने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये बहुत जल्दी पानी रिलीज़ कर देती हैं, मगर जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है पानी रिलीज़ करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का जूस जो है बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है। इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे ताकि हमारी स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाए। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं लगभग 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और भी शुगर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमें शुगर को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि शुगर इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। दोस्तों, शुगर ऐड करने के बाद में हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना आप इसे पकाएंगे उतना ही ये थिक होता जाएगा। इसके बाद इसमें जाएगा लेमन जूस। तो यहाँ पर मैंने हाफ लेमन लिया है और इसे मैं डायरेक्टली इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें कोई सीड गिर जाता है तो आप उसे निकाल लें, वरना ये सीड आपके मुँह में आएगा और कड़वा सा टेस्ट देगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो लगभग 1 टेबलस्पून जितना जूस हमने इसमें डाल लिया है, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। लेमन जूस इसे एक अलग ही सिट्रसी फ्लेवर दे देगा। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम 4 से 5 सेकेंड इसे और सौते कर लेंगे। अब दोस्तों, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। इस तरह से स्पून में उठाकर हमें इसे चेक करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कम्पोट जो है वो ज़्यादा थिक नहीं होता, ये थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी का होता है। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर लिया है और अब मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता। दोस्तों, अगर आप ये कम्पोत केक में फिलिंग के लिए बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज में आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेकर 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये थिक हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं ये कम्पोत रेडी हुआ है या नहीं। इस तरह से चम्मच में उठाकर इसके बीच में उंगली घुमाइए। अगर आपकी उंगली का निशान वैसा का वैसा ही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमने इसे हल्का ठंडा कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास जार है और मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। दोस्तों, आप इसे 2 हफ्तों तक फ्रिज में रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये आइसक्रीम्स के साथ भी बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। लोनावला में जो स्ट्रॉबेरी क्रीम मिलता है दोस्तों, वो भी आप इसके साथ बना सकते हैं। इसे आप 1 महीने तक फ्रीज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द लेज़ी मॉम्स किचन को। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।